वाले फरारियों में रकम तकसीम की गई। डीसीओ का कहना है कि हथियार डालने वाले फरारियों की माली मदद जारी रखेंगे। फरारियों में नकद रकम तकसीम करने की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुई। 10 फरारियों में नकद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर पुलिस एफसी और हसास इदारों के अहलकार भी मौजूद थे। हुकाम का कहना था कि उम्मीद है कि फरारी आज के बाद पुरअमन बलोचिस्तान की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। न्यूज़ वन से बात करते हुए फरारियों का कहना था कि पहले बहुत मुश्किल में थे, मगर हथियार डालने के बाद पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने दीगर फरारियों को भी पुरअमन बलोचिस्तान और पुरअमन पाकिस्तान के लिए हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने की दावत दी है।